नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आप जो फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा त्राटक कैसे करें, साधना कैसे करें। इसकी साधना से आप बहुत सारे कार्य अपने करवा सकते कर सकते हैं, किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने सुझाव अवश्य दें। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी है hellopfct@gmail.com। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूँ। अच्छा दर्शक, जो दर्शक मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जब साधक किसी वस्तु पर अपनी दृष्टि और मन को बांधता है तो वो किसी क्रिया त्राटक कहलाती है। त्राटक शब्द से आगे चलकर त्राटक बना है, त्रयाटक से त्राटक बना है। किसी वस्तु को जब एक ही बार देखते हैं तो ये देखने की क्रिया एकटक कहलाती है। उसी वस्तु को जब हम कुछ देर तक देखते हैं तो द्वाटक कहलाती है, किंतु जब हम किसी वस्तु को निर्निमित दृश्य से निरंतर दीर्घ काल तक देखते रहते हैं तो ये क्रिया त्रयाटक या त्राटक कहलाती है। दृष्टि की शक्ति को जागृत करने के लिए हठ योग में इस क्रिया का वर्णन किया गया है। त्राटक एक टक देखने की विधि है। दोस्तों, यदि आप लंबे समय तक कुछ महीनों के लिए प्रतिदिन 1 घंटा ज्योति की लौ को अपलक देखते रहे तो आपकी तीसरी आंख पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी। आप अधिक प्रकाशपूर्ण, अधिक सजग अनुभव करेंगे। त्राटक शब्द जिस मूल से आता है उसका अर्थ है आंसू। तो आपको ज्योति की लौ को तब तक देखना है जब तक कि आपकी आंखों से आंसू ना बहने लगे। एक टक देखते रहे बिना पलक झपकाए और आपकी तीसरी आंख सक्रिय होने लगेगी। एक टक देखने की विधि असल में किसी विषय से संबंधित नहीं है, इसका संबंध देखने मात्र से है। क्योंकि जब आप बिना पलक झपकाए एक टक देखते हैं तो आप एकाग्र हो जाते हैं। मन का स्वभाव है भटकना। यदि आप बिल्कुल एकजुट रहेंगे, एक टक देखते रहेंगे, जरा भी हीले डुल्ले बिना, तो मन अवश्य ही मुश्किल में पड़ जाएगा। मन का स्वभाव है एक विषय से दूसरे विषय पर भटकने का, निरंतर भटकाते रहने का। यदि आप अंधेरे को, प्रकाश को या किसी भी चीज को एक टक देखते रहे, यदि आप बिल्कुल एकाग्र हैं, तो मन का भटकाव रुक जाता है। क्योंकि यदि मन भटकेगा तो आपकी दृष्टि एकाग्र नहीं रह पाएगी और आप विषय को चूकते रहेंगे। जब मन कहीं और चला जाए तो आप भूल जाएंगे, आप स्मरण नहीं रख पाएंगे कि आप क्या देख रहे हैं। भौतिक रूप से विषय वही होगा, लेकिन आपके लिए वो विलीन हो चुका होगा क्योंकि आप वहां नहीं हैं, आप विचारों में भटक गए हैं। वास्तविक रूप से त्राटक का अर्थ है अपनी चेतना को भटकने न देना। दोस्तों, अपनी जो चेतना है उसको भटकने मत दीजिए, यही त्राटक है। इसमें कुछ आपको करना नहीं है, खाली अपने मन को स्थिर रखना है और एक टक देखते रहना है। और जब आपका मन को भटकने नहीं देंगे तो शुरू में वो बहुत संघर्ष करता है, कड़ा संघर्ष करता है, लेकिन यदि आप एक टक देखने का अभ्यास करते ही रहे तो वो धीरे धीरे मन संघर्ष करना छोड़ देता है। कुछ क्षण के लिए वह ठहर जाता है और जब मन ठहर जाता है तो वहां अमन है, क्योंकि मन का अस्तित्व केवल गति में ही नहीं रह सकता बल्कि विचार प्रक्रिया केवल गति में ही बनी रह सकती है। जब कोई गति नहीं होती तो विचार प्रक्रिया खो जाती है, आप सोच विचार नहीं कर सकते।
क्योंकि विचार का मतलब है गति, एक विचार से दूसरे विचार की ओर गति, यह एक प्रक्रिया है। यदि आप निरंतर एक ही चीज को एकटक देखते रहे, पूर्ण सजगता और होश से, क्योंकि आप मृतत्व आंखों से भी एकटक देख सकते हैं, तब आप विचार करते रह सकते हैं। केवल आंखें, मृत आंखें देखती हुई नहीं, मुर्दे जैसी आंखों से भी आप देख सकते हैं, लेकिन तब आपका मन चलता रहेगा। इस तरह से देखने से कुछ भी नहीं होगा। त्राटक का अर्थ है केवल आपकी आंखें ही नहीं, बल्कि आपका पूरा अस्तित्व आंखों के द्वारा एकाग्र हो। तो कुछ भी विषय हो, यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। यदि आपको प्रकाश अच्छा लगता है, ठीक है। यदि आपको अंधेरा अच्छा लगता है, ठीक है। विषय कुछ भी हो, गहरे में या बात गौण है, असली बात है मन को एक जगह रोकने का, उसे एकाग्र करने का, जिसकी भीतर गतियां, भीतर कुलबुलाहट रुक सके, भीतरी कंपन रुक सके। आप बस देखते रहें, निष्कंप, इतनी गहराई से देखना, आपको पूरी तरह से बदल जाएंगे, आप पूरी बदल जाएंगे। वो एक ध्यान बन जाएगा। आगे जो लोग ध्यान साधना करते हैं, उनके लिए किसी भी साधना की सफलता प्राप्त कर लेना आसान हो जाता है। इसी मन के अंदर छुपी होती है अलौकिक दिव्य और चमत्कारी शक्तियां। बाहा मन और सुप्तावस्था में होता है, तथा अंतर मन सक्रिय होने लगता है, और इसी अवस्था को ध्यान कहते हैं। मन को बेलगाम घोड़े की संज्ञा दी गई है, क्योंकि मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता, तथा शरीर की समस्त इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करता है। मन हर समय नई नई इच्छाओं को उत्पन्न करता है। अंतर मन का स्वभाव है शांत, निर्मल और पवित्र, जो मनुष्य को हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है। एक इच्छा पूरी नहीं हुई कि दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है दोस्तों, और मनुष्य उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति की चेष्टा करता है, जिसके लिए मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, पीड़ा इत्यादि से गुजरना पड़ता है। इसके बावजूद भी जब मनुष्य की इच्छाएं की पूर्ति नहीं हो पाती, तब मन में क्लेश तथा दुख होने लगता है। यदि मन को किसी तरह अपने वश में कर एकाग्रित कर लिया जाए, तब मनुष्य की जो है आत्मोन्नति होने लगती है, तथा समस्त प्रकार के विषय विकार से ऊपर उठने लगता है, और अंतर्मन में छुपे हुए ऊर्जा के भंडार को जागृत कर अलौकिक सिद्धि का स्वामी बन जाता है। मन को नियंत्रण करना थोड़ा कठिन है, परंतु कुछ प्रयासों के बाद मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। मन को साधने के लिए शास्त्रों में बहुत सारे उपाय दिए गए हैं, जिसमें से सबसे आसान तरीका है ध्यान साधना। ध्यान साधना के माध्यम से कुछ दिन में या महीनों के प्रयास के बाद अपने मन पर पूरी तरह नियंत्रण रखने में समर्थ हो सकते हैं। त्राटक साधना से मन की एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ने लगती है, मनुष्य के शरीर की सुप्त शक्तियां जागृत होने लगती है, पवित्र, निर्मल और निरोग हो जाता है मन। त्राटक के द्वारा मन की एकाग्रता, वाणी का प्रभाव व दृष्टि मात्रा से उपास अपने संकल्प को पूर्ण कर लेता है। इससे विचार को संप्रेषण दूसरों के मन भाव को ज्ञात करता है। सम्मोहन, आकर्षण, दृश्य वस्तु को देखना,
दृश्यों को जान सकता है। इसकी इच्छा शक्ति से साधना करने पर सिद्धियां स्वमेव आ जाती है। तन में मन में की एकाग्रता को प्राप्त करने के अनेक पद्धतियां योग शास्त्र में हैं। इसमें त्राटक उपासना सर्वोपरि है। हठ योग में इसको दिव्य साधना से संबोधित करते हैं। त्राटक के द्वारा मन को एकाग्र, वाणी का प्रभाव व दृष्टि मात्रा से उपासक अपने संकल्प को पूरा कर लेता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी, तो आप भी जो है त्राटक करें और अपने मन को एकाग्र करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।